अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फयाज़ अमल लजवानी है और आप मेरा चैनल लजवानी टेक चैनल देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने टिकटॉक के ऊपर काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ वीडियोस बनती हैं और उसके बाद उनको रिमूव किया जाता है। वो किस तरीके से उस ट्रेंड को बनाते हैं, किस तरीके से वो उसको एडिटिंग करते हैं, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर, कौन सा ऐसा टूल इस्तेमाल करते हैं, आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली बताऊंगा कि किस तरीके से आप टिकटॉक वीडियोस को बनाएंगे और उनको एक ट्रेंडिंग वीडियोस और उसके बाद उनकी रिमूवल, उनकी एडिटिंग और कौन से सॉफ्टवेयर से करेंगे इस वीडियो में देखने वाले। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यहां पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ग्लास। तो आपने क्या करना है, यहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां पे यूज कर सकते हैं। तो आपने यहां पे कोई पेंसिल या कोई भी चीज़ ले लेनी है और उसके बाद यहाँ पे वीडियो वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसको होल्ड करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपने अपने ग्लास है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से हटा लेना है और वीडियो को छोड़ देना है। उसके बाद आपने दोबारा से वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और इसको होल्ड करते जाना और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को साथ साथ रिमूव करते जाना है। और याद रहे कि आपका जो कैमरा का एंगल है वो एक सीधे तरीके से रहे ताकि आप उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकें, वरना आपको उस ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इस तरीके से आप अपना ऑब्जेक्ट जो है ना यूज़ कर सकें। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको तरीका